आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी कंजर्व। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया इवन इन द वर्ल्ड आल्सो। लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे, इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं उसमें से बहुत सारी वैरायटी एक्सटिंक्ट भी होती जा रही है। एक्सटिंक्ट होने का रीजन है कि दे आर नॉट एबल टू मीट द क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है, इसका एक रीजन ग्लोबल वार्मिंग भी है। दे आर नॉट गेटिंग द नेचुरल हैबिटेट बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डिमांड फॉर शेल्टर एग्रीकल्चर लैंड इंडस्ट्रीज रोडवेज रेलवेज इट इज इंक्रीजिंग एट द लार्ज स्केल। और ये जमीन कहाँ से आएगी, जमीन को स्ट्रेस तो कर नहीं सकते हैं। जमीन को स्ट्रेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं नहीं कहीं फॉरेस्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं। फॉरेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब कि ये जो एनिमल्स हैं दे आर लूजिंग देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट को कहीं ना कहीं लूज कर रही है। तो उनकी जब नेचुरल हैबिटेट लूज होगा तो उनके रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो डाई कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट हैज टेकन ए सीरियस स्टेप रिगार्डिंग इट। आखिर गवर्नमेंट ने क्या किया, हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोटेक्ट दिस वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले देखेंगे कि हमने देखेगा बायोस्फीयर रिजर्व, एक बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया को क्रिएट कर दिया गया जहां उनको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को। ये नेचुरल एनवायरनमेंट दे कैन सर्वाइव एंड फ्लोरिश, दे कैन मल्टीप्लाई अमंग देमसेल्व्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे जनसंख्या बढ़ेगी तो बचेगी, नहीं तो इंडेंजर्ड हो जाएगी। तो इंडेंजर्ड हो जाएगी तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना बना, तो पहले कम थी अब हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कब से काम शुरू हो गया, तो सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में बना था। ये नीलगिरी हिल से थोड़ा सी दिमाग में आती होगी कि जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मर्ज करती है साउथ इंडिया में, मतलब ये कर्नाटक तमिलनाडु केरल का भी जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। वहां पर हमारे पास नीलगिरी हिल्स और ब्लू माउंटेन, वहां पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1986 में। ये सबसे पहला जो न्यूएस्ट है उसमें आएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो 2011 में बनी थी। पन्ना आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला और सबसे न्यूएस्ट हमने देख लिया, न्यूएस्ट का नाम तो चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनती चली जाएगी न्यू का चेंज होता चला जाएगा, लेकिन ओल्ड वाला तो ओल्ड रहेगा। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इट इज द लार्जेस्ट वन, अभी तक तो लार्जेस्ट है, इन द कमिंग फ्यूचर इफ द न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स कम इनटू एक्सटिंक्ट, हो सकता है कि अगर एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका एरिया बड़ा हो जाए। तो बड़ा हो जाएगा तो बन जाएगा ये गल्फ ऑफ मन्नार साउथ में, हम देखेंगे ये 10,500 किलोमीटर स्क्वायर के रीजन का है, 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का। देन जो सबसे छोटा जो हो जाएगा ये डिब्रो साइड होवा बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज ए स्मॉलेस्ट 765 किलोमीटर्स ओनली। ये असम में साउथ इंडिया में, और ये तमिलनाडु का रीजन हो जाएगा इसका, और थोड़ा सा केरला का पार्ट ले सकते तमिलनाडु का रीजन। ये डिब्रू साइड होवा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको असम में है। तो हमने देख लिया सबसे जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था, जो इन्वेस्ट बना है वो कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, अभी तक जो अवेलेबल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बाद। गवर्नमेंट ने इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन भी बनाया है, इट इज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, और ये बना था 1992 में। और अभी हमारे पास 24 बॉटनिकल पार्क्स हैं इंडिया में। अगर ये बॉटनिकल पार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या काम करती है, ये ग्रो करवाती है प्लांट्स फर्स कनिफर्स फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ये प्रोवाइड करते हैं बॉटनिकल पार्क। नाम सुन जाएगा बॉटनिकल पार्क,
पास गार्डन बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल पार्क्स हो जाएगा। ये हमारे पास 24 में है, मैनेज होती है, ऑर्गेनाइज करती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन ये जो इंडिया में है उसमें सबसे बड़ा है, और इवन निकल से इट इज सबसे ज़्यादा प्लांट के स्पेसीज और नंबर ऑफ प्लांट और फाउंड इन एशिया इसी बॉटनिकल गार्डन में है। देन वी हैव द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में स्टार्ट किया गया था कैट फैमिली को, स्पेशली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके नंबर ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी, तो उनको बचाने के लिए बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अभी हमारे पास 52 टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं। देन नेशनल पार्क इट इज 104 इन नंबर्स। रिसर्च देखोगे तो पता चलेगा कि नंबर चेंज क्यों हो रही है, बढ़ रही है, कि गवर्नमेंट इज इंफेसाइजिंग मोर एंड मोर, ध्यान दे रही है। इसका एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर से 500 किलोमीटर स्क्वायर तक हो जाता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आ जाएगा तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि क्लास 9 में हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था। वो फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में कंप्लीटली नॉन परमिटेड फॉर एनी बॉडी टू इंटर इनटू। नेशनल पार्क ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई टूरिस्ट जाएंगे तो उनको जो टूरिस्ट ले जाएंगे घुमाने के लिए उनको वहाँ से उतरने घूमने फिरने की कोई परमिशन नहीं मिलती है। ये हमारे पास 104 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज 566 इन नंबर्स। हाँ, इसमें थोड़ी सी परमिशन होती है कि पीपल्स में गो एंटर इनटू इट, मे टेक देयर एनिमल्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस आउट स्कर्ट में बाउंड्री पर, दे कैन मेक देयर होम एंड कैन रिसाइड इट। पिकनिक भी अ लिटिल बिट अलाउड हो जाती है, बट नॉट इन द डे, इन द फ्रंट इटसेल्फ। तो ये सारे स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। सो आई डू होप यू पीपल्स हैव गॉट द हाउ कैन अ गवर्नमेंट इज टेकिंग द इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द और कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। सो गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।